नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एक समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को सिल्वर ट्रम्पेड और बैनर भेंट करेंगी। आज पीएम नरेंद्र मोदी त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे, जहां चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। हरियाणा सरकार के 8 साल पूरे होने पर फरीदाबाद में आयोजित जन उत्थान रैली में आज शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। रैली को संबोधित करने के बाद आंतरिक सुरक्षा को लेकर सूरजकुंड में होने वाले महत्वपूर्ण बैठक में भी शामिल होंगे। विदेशी धरती पर लहराएगा लखनऊ का परचम। आज इंडोनेशिया में आयोजित होने वाले आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल में AKTU के डीन होंगे शामिल। 3 दिन के आराम के बाद आज फिर से तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मकताल से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पुनिया आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर होंगे। इस बार उनका फोकस बस्तर पर होगा, जहां वे संभाग के वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ मुलाकात करेंगे। आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में आज अदालत सुना सकती है फैसला। भड़काऊ भाषण का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है। हरियाणा के हिसार में आदमपुर उपचुनाव को लेकर आज से संयुक्त किसान मोर्चा भाजपा जजपा उम्मीदवार का विरोध करेगी। यूपी के सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज देने के लिए अब मॉनिटरिंग सेल गठित की जा रही है, जो स्वास्थ्य सेवाओं की करेगी निगरानी। छठ पूजा के दौरान व्रतियों को अर्घ देने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए CM नीतीश कुमार ने घाटों का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिया। लुधियाना में कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। वार्ड 5 के पूर्व पार्षद वीरेंद्र सहगल साथियों सहित भाजपा में हुए शामिल। झारखंड में तेजी से फैल रहा है डेंगू का मरीज। रांची रिम्स में दर्जन से ज्यादा संक्रमित कराए गए भर्ती। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राम सेतु की तारीफ, कांग्रेस पर कसा तंज। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर में आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री राजेश पठानिया ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। बंगाल के राज्यपाल गणेशन के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए 2 नवंबर को चेन्नई जाएगी बंगाल की CM ममता बनर्जी। महाराष्ट्र के पालघर इलाके में बॉयलर फटने से एक केमिकल कंपनी में आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई और 11 लोग घायल हो गए। गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक प्रकार से नारकोटिक्स दीमक की तरह हमारे देश के युवा पीढ़ी को खत्म करने का काम कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देते हुए राजस्थान के CM अशोक गहलोत का फिर छूटा दर्द, कहा राहुल गांधी ही कर सकते हैं मोदी का मुकाबला। प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। महुआ जनपद के अंतर्गत ग्राम सुगीरा में बड़ी माता मंदिर के पास मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे गांव के लोग एकत्रित हुए। तो ये थी सुबह की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।